नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जागृति पटेल और आप देख रहे हैं जेएम के खजाना। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे लिंग। मैं यहाँ उदाहरण लिख रही हूँ। मेरे माता पिता बैठे हुए हैं। मेरे भाई बहन काम कर रहे हैं। छात्र तथा छात्रा पढ़ रहे हैं। मैंने यह तीन उदाहरण लिखे हैं। मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, माता और पिता। मेरे भाई बहन काम कर रहे हैं, भाई और बहन। छात्र तथा छात्रा पढ़ रहे हैं, तो छात्र और छात्रा। जिसके नीचे लाइन बनी हुई है, उन शब्दों को पढ़ते ही पता चल जाता है कि इनमें दो प्रकार के संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति से जुड़े हुए हैं। तो माता पिता, भाई बहन, छात्र छात्रा, तो आपको समझ आ गया होगा दो प्रकार की लिंग का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो मैं अब आपको लिंग की परिभाषा लिख के समझाऊंगी। लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, वह लिंग कहलाता है। जैसे राजा रानी, नाना नानी आदि। लिंग की परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, वह लिंग कहलाता है। जैसे राजा रानी, नाना नानी आदि। लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बोल के समझा रही हूँ। नौकर काम कर रहा है, नौकरानी काम कर रही है। और भी उदाहरण है, शेर शेरनी, कवि कवियत्री, लेखक लेखिका आदि। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैं आपको लिख के समझाऊंगी उदाहरण के साथ। लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला भेद हम समझेंगे। पुल्लिंग, मैं उसके उदाहरण लिखकर आपको समझाऊंगी। पहला उदाहरण है, घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। मैंने यह दो उदाहरण लिखे, घोड़ा दौड़ रहा है,
यहाँ घोड़ा, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ पिताजी। इन वाक्यों में घोड़ा तथा पिताजी पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते। मैं परिभाषा यहां लिखूंगी, परिभाषा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे शेठ, पिताजी, नौकर, घोड़ा, गधा, आदि। मैंने यह परिभाषा लिख ली, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेठ, पिताजी, नौकर, घोड़ा, गधा आदि। पुल्लिंग की कुछ विशेष बातें, जो नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे के दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों में इमली को छोड़कर, फिर ग्रहों के नाम, उसमें भी पृथ्वी को छोड़कर, फिर देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम, और कुछ शब्द में नर तथा मादा लगाकर भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे नर खरगोश तो मादा खरगोश, नर भालू तो मादा भालू, नर कौआ मादा कौआ, नर मच्छर मादा मच्छर। फिर आपको मैं एक बात और बताऊंगी कि पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं। जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा न आता हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक आदि शब्द होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। अब हम दूसरा पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मैं इसके दो उदाहरण लिखूंगी, नौकरानी, झाड़ू लगा रही है। दूसरा उदाहरण है, सेठानी कुर्सी पर बैठी है। तो यहां नौकरानी और सेठानी शब्द स्त्री जाति से संबंधित है, वो स्त्री जाति का हमें बोध कराते हैं। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। परिभाषा है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि दादी, लोमड़ी, टोकरी, माँ आदि। परिभाषा, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, लोमड़ी, टोकरी, माँ आदि। स्त्रीलिंग की कुछ विशेष बातें, जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भाषा के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम,
कोमल भावों के नाम जैसे दया, करुणा, ममता, शक्ति सूचक नाम जैसे पुलिस, सेना, समिति, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम में देवनागरी, फारसी, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग ही रहते हैं जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि। स्त्रीलिंग की पहचान के लिए मैं आपको कुछ बताऊंगी कि जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई, इया, आवट या आनी, आइन, ता, इन आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, डिबिया, थकावट, महारानी, पंडिताइन, मित्रता, धोबिन आदि। हमें प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, परंतु वस्तुओं के लिंग निर्धारित करने में बहुत सारी कठिनाई होती है। इसलिए मैं आपको कुछ लिंग के कुछ नियम यहाँ लिखूंगी जिसे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। लिंग बदलने के कुछ नियम मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला है आ या ई लगाकर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ये बदलाव होता है। आ या ई लगाकर हम सूत तो सूता, पुत्र तो पुत्री, नर तो नारी, कटोरा तो कटोरी। दूसरा है ईया या नी लगाकर, खास, खटिया, मोर, मोरनी, बछड़ा, बछिया, बिल, बिलनी आदि। मैं अब तीसरा नियम बताऊंगी। तीसरा नियम है आइन या आनी लगाकर, पंडित तो पंडिताइन, ठाकुर तो ठकुराइन, नौकर तो नौकरानी, सेठ तो सेठानी। चौथा नियम है इका या इन लगाकर, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, लुहार, लुहारिन, सुनार, सुनारिन। अब पांचवा नियम भी है। पांचवा है मती या वती लगाकर, श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती, बलवान, बलवती, आयुष्मान, आयुष्मती। छठा नियम है कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते, लिंग बदलने पर यह पूरी तरह बदल जाते। जैसे माता तो पिता, भाई तो बहन, ससुर तो सास, बैल तो गाय। तो मित्रों, हमने आज लिंग को पूरी तरह से विस्तार से पढ़ा, समझा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद मित्रों।